नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे उस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की। और बड़ी जानकारी थोड़ी देर में शुरू होगी, बीजेपी विधायक दल की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी पंचकुला में। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक, आज चुना जाएगा विधायक दल का नेता। नायब सैनी मोहनलाल बडोली मौजूद, पर्यवेक्षक अमिश्वाम मोहन यादव भी शामिल होंगे। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल होना, यानी कि 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होना है। पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री। वही हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कल शपथ ग्रहण करेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां आज विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और ये जताया जा रहा है कि यहां पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी चुने जा सकते हैं विधायक दल के नेता, और कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। और इसके साथ ही सरकार बनाने का दावा भी राज्यपाल के पास पेश किया जाएगा। तो आज विधायक दल की बैठक होने जा रही है, अब से कुछ ही वक्त बचा हुआ है जब विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। बतौर पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मोहन यादव बतौर पर्यवेक्षक यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही उनकी मौजूदगी में विधायक दल की जो बैठक है वो संपन्न की जाएगी, क्योंकि इससे पहले अगर बात की जाए तो जिस तरह से विधायक दल की बैठक जब हुई थी, जब मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया था, उस बीच काफी ज्यादा उथल पुथल भी देखने को मिली थी और अनिल विज भी बैठक से बाहर आ गए थे। तो तमाम चीजों के मद्देनजर रखते हुए इस बार खुद बतौर पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। बाद आप सबको पता चल जाएगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, जो भी होता है पार्टी डिसाइड करती है, हमारी कोई इच्छा नहीं होती। सारे ही विधायक आ रहे हैं जी, और मीटिंग हो रही है जो विधिवत होती है, और उसके बाद आप सबको पता चल जाएगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, जो भी होता है पार्टी डिसाइड करती है, हमारी कोई इच्छा नहीं होती। तो जीतना तो तय था, पर थोड़ी वोट से जीता है, इसकी मुझे उम्मीद नहीं। मैं सोचता था कम से कम आधी वोट मेरी आनी चाहिए और आधी वोट और सबकी आनी चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो थी, एक जो मीडिया का और जो बड़ा रोल था इसमें, और आपका जो ये होते हैं एग्जिट पोल वाले, उन्होंने सब ने कांग्रेस की जीत बताई थी, बीजेपी की 24-25 सीट बताई थी, उसका प्रभाव अंत तक रहा। इसलिए मैं बहुत मामूली मार्जिन से जीता हूँ, 4,000 से जीता। तो 37 सीट भी कांग्रेस पार्टी की इसलिए आई है क्योंकि मीडिया का और एग्जिट पोल का असर था लोगों पर, वरना इलेक्शन तो बिल्कुल साफ था। लोगों ने इतना ही कंपेयर करना था, 10 साल कांग्रेस पार्टी का हुड्डा साहब का कैसा राज रहा, कैसा शासन रहा, और खट्टर साहब का और नायब सैनी का 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा, इतना ही सोचना था। और जब वो कंपेयर करेंगे तो नेचुरली ये राज बहुत बेटर था, इसमें सबको सबका हक मिला, वो एक पक्षपात की। तो बताते चले, जहां आज अब से कुछ देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर, कितनी देर में शुरू हो जाएगी बैठक या फिर शुरू हो गई है? जी, विधायक दल की बैठक किसी भी समय शुरू हो सकती है, क्योंकि तमाम जो विधायक है वो पहुंच गए हैं, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, और किसी भी समय हो सकती है बैठक। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, और वही जो है आकर बैठक लेंगे, और बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। अब देखना हुआ कि किस विधायक को विधायक दल का नेता चुना जाता है, और या नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री आगे बनाए जाते हैं। बिल्कुल, इस बीच ये भी जानेंगे अनिल की विधायक दल की बैठक होने जा रही है, अब तक कौन कौन से विधायक और नेता पहुंच चुके हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए? जी, तमाम जो विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंच चुके हैं, और मोहनलाल बडोली प्रदेश अध्यक्ष वो भी पहुंच चुके हैं, और
अब केवल जो है अमित शाह और मोहन यादव जो है जो प्रवेशक हैं वो जब बैठक लेंगे तो उसमें तय होगा कि विधायक दल का नेता कौन चुना जाता है और आगे की क्या रणनीति रहती है। और विधायक दल का नेता चुनने के बाद राज्यपाल के पास जाके दावा भी करेंगे और साथ ही आगे जो भी विधायक दल का नेता चुना जाता है उसको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाएगी। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।